हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर नंबर 13 है इनफाइनाइट सीरीज का, या सीक्वेंसिंग सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है। इसमें हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज। कोई सीरीज है हमारे पास, दैट सीरीज un इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इफ समेशन ऑफ मोड un इज कन्वर्जेंट। हमारे पास कोई सीरीज होगी जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी टर्म हो सकती है, या पॉजिटिव हो सकती है साइड टर्म, या साइड टर्म नेगेटिव हो सकती है। वो सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी अगर समेशन ऑफ मोड यानी उन जो टर्म का पॉजिटिव पार्ट ले लिया जाए सभी टर्म्स का और वो कन्वर्जेंट हो, तो उस केस में हम कहेंगे जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल हमें शो करना है कि सीरीज है हमारे पास एन बराबर 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। जो ये सीरीज है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसको शो करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, इस सीरीज का जो जनरल फॉर्म है वो चाहिए, इस सीरीज को हम किस तरह से प्रसार कर सकते हैं। तो इसका प्रसार करने के लिए n बराबर 1 लिखा हमने, तो ये n की पावर माइनस 1 की पावर 0 1 अपॉन ये 1, तो 2n 2 * 1 माइनस 1 n 1 रह गया। तो ये जो पहला पार्ट है 1, उसके बाद n की पावर माइनस 1, तो एन की पावर सॉरी माइनस 1 की पावर 1, तो माइनस 1 आ जाएगा। 2n माइनस 1 2 * 2 4 माइनस 1 3, तो 1 अपॉन 3। इसी तरह अगला आ जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 7 प्लस, इस तरह से ये सीरीज चलती हुई जाएगी। तो यहां से सीरीज का जो एन पर ये सीरीज हो गई। अब हमें शो करना है ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए क्या करना है हमें, एब्सोल्युट मोड एन लेना होगा। तो टू शो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट शो करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मोड ऑफ un वाली सीरीज लिखेंगे। तो ये तो हमारे पास un वाली सिंपल सीरीज थी, अगर मोड ऑफ un लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये टर्म भी है जो पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 बाई 7 प्लस चलती हो जाएगी। अब ये हमारे पास इसकी मोड ऑफ un वाली सीरीज आ गई। अब इसको चेक करना है ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी, तो हम कहेंगे ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो ये चेक करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा, इसका एन वा पद, अगर एन वा पद देखें तो इसका एन वा पद होगा हमारे पास मोड ऑफ यू एन बराबर 1 अपॉन 2n प्लस 1, क्योंकि 2n प्लस 1 भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, तो 2n प्लस 1 हो गया। अब इसको चेक करने के लिए हमने जो पहले जो टेस्ट पढ़े थे उन्हीं में से कोई ना कोई टेस्ट हम लगा सकते हैं। अब हमारे पास यहां से हमें जो टेस्ट बताया लेवेंटिस टेस्ट, इसमें इजीली लग जाएगा। लेवेंटिस टेस्ट क्या कहता है, मैं उसको फिर से रिमाइंडर करा देता हूं आप लोगों को। लेवेंटिस टेस्ट कहता है अगर हमारे पास एक सीरीज है un, वो un है और एक जो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ un इक्वल टू जीरो है, देन उस केस में हमारे पास एक हम vn ऐसे चूज करते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू कुछ एल नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कोई फाइनाइट नंबर आ जाए जो कि नॉट इक्वल टू जीरो हो, कुछ नंबर आ जाए जो कि नॉट इक्वल टू जीरो हो, उस केस में जैसा vn बिहेव करेगा उसी तरह से un बिहेव करेगा। यानी अगर vn कन्वर्जेंट है तो un कन्वर्जेंट होगा, और vn un सॉरी vn डाइवर्जेंट है तो un भी डाइवर्जेंट होगा। तो इसके लिए अगर हम इसमें देखें तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी मोड ऑफ un बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2n प्लस 1 इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो यहां से ये हमारे पास कंडीशन है, हमारे पास ये कंडीशन है। अब हमें vn ऐसा चूज करना है कि ये जीरो ना रहे, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, लेट vn बराबर 1 बाई n, देन इस कंडीशन में हमने vn बराबर 1 बाई n चूज कर लिया, तो vn बराबर 1 बाई n चूज कर लिया। तो यहां से अगर हम देखें लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un मोड ऑफ un तो ये रहा 1 अपॉन 2n प्लस 1 1 अपॉन n, तो ये हो गए लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये एन ऊपर चला जाएगा अपॉन टू एन प्लस वन, यहां से ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, और ये हो गए हमारे पास एन, यहां से एन कॉमन ले लेंगे तो एन तो यहां और एन यहां कॉमन ले लिया तो ये बच गया टू प्लस वन बाई एन, तो एन से एन कट गया और लिमिट अप्लाई की तो ये आ गए वन बाई टू नॉट इक्वल टू जीरो, और जो कि फाइनाइट है। अब फ्रेंड्स ये हमारे पास हो गया कि अब यहाँ पे ये है हमारे पास bn, क्या है हमारे पास वन अपॉन एन, ये तो नॉट इक्वल टू जीरो है और फाइनाइट है। अब हमें चेक करना है bn जो है किस तरह की सीरीज है, तो bn को अगर हम देखें तो bn बराबर है हमारे पास, bn बराबर था हमारे पास वन बाई एन, तो bn मोड ऑफ bn सॉरी समेशन ऑफ bn बराबर हो जाएगा मोड ऑफ समेशन ऑफ वन बाई एन। अब फ्रेंड्स यहां से हम हाइपर हाइपरबोलिक टेस्ट लगा सकते हैं, ये हाइपर हाइपरबोलिक टेस्ट क्या कह रहा था ना, हमारे पास समेशन ऑफ वन अपॉन एन टू दी पावर पी है और जहां पे पी ग्रेटर देन वन है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, पी लेस देन इक्वल टू वन है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है, ये हमारे पास हाइपर हाइपरबोलिक टेस्ट अगर इस तरह का केस है हमारे पास। और यहाँ पे इसमें क्या देखते हैं पी बराबर क्या है वन है, चूंकि p बराबर वन सो बाय हाइपर हार्मोनिक टेस्ट सीरीज इज डाइवर्जेंट, तो यहां से un जो है डाइवर्जेंट आ गया, तो यहां से कह सकते हैं un सॉरी bn इज डाइवर्जेंट, और जिस तरह का bn होगा उसी तरह का un होगा, तो un इज आल्सो डाइवर्जेंट, यहां से हम कह सकते हैं जिस तरह इसका यूएन था इस तरह का बी एन है, तो यहां से हम कह सकते हैं तो सीरीज जो थी वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं थी, ये सीरीज जो थी हमने जो सीरीज ली थी समेशन ऑफ माइनस वन टू द पावर एन माइनस वन टू एन प्लस वन एन माइनस वन अपॉन ये था, ये सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज नहीं है, तो इस तरह से हम किसी सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं बाय कन्वर्जेंस एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं, अगर ये हमारे पास कन्वर्जेंट आ जाती तो उस तरह कंडीशन हम कहते हैं कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, और कोई भी कन्वर्जेंट सीरीज हो सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज हो वो कन्वर्जेंट सीरीज होती है, तो अगर हम कई बार टेस्ट कर लेते हैं कि कोई सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हम निकाल लेते हैं तो उसको डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये सीरीज जो है कन्वर्जेंट सीरीज है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी करना है 9460689761 डोंट कॉल ओनली व्हाट्सएप, और मेल कर सकते हो hitesmeena9785168@gmail.com, तो अगर आपको किसी तरह का डाउट है तो आप मुझ पर यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो।